हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नई वीडियो में। आज के टॉपिक फुल स्क्रीन गेस्चर किस प्रकार से यूज़ करते हैं बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं जो बटन दिख रहा है वो हाइड हो जाए या फिर बैक वाला बटन लेफ्ट में होना चाहिए था, राइट में होना चाहिए था, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कैसे आप फुल स्क्रीन गेस्चर इसे कहते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, सब बताऊँगी इस वीडियो में। फ्रेंड्स, मेरे पास इन्फिनिक्स का फ़ोन है। फ्रेंड्स, सही शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले आपको सेटिंग ऐप ओपन करना है। सेटिंग ऐप ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आता है। एंड ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे एंड इसके बाद आपको लास्ट में लिखता है सिस्टम ऑप्शन एंड इस पर क्लिक कर देंगे। सिस्टम नेविगेशन भी क्लिक करना है। एंड अगर आपका गेस्चर नेविगेशन भी क्लिक है तो जो आपको बटन दिख रहे हैं वो हाइड हो जाते हैं अपने आप। देख सकते हैं अब हाइड हो चुका है। एंड अब इस पर फिर से बटन भी क्लिक करते हैं तो आपको फिर बटन शो होने लगेगा। अगर आप इस मोर के ऑप्शन भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से बैक वाला बटन लेफ्ट एंड राइट इस तरीके से कर सकते हैं। एंड देख सकते हैं एंड अब इसे बैक करेंगे। अगर गेस्चर नेविगेशन भी क्लिक कर लेते हैं जब बटन शो नहीं होते कैसे बैक करेंगे, इस तरीके से आपका बैक होगा। इधर मतलब कि राइट साइड में आपको ये दिख रहा होगा एरो, मतलब कि ये होता है यहाँ से बैक करने वाला, छिपा रहता है। बस ऐसे आपको ऐसे करना है, इस तरीके से बैक हो जाता है। इधर लेफ्ट एंड राइट दोनों से होगा, ऊपर नीचे ऊपर से इस तरीके से ऐसे प्रेस करके रखते हैं तो ऐसे ऐप्स दिख जाते हैं ऐसे स्क्रॉलिंग में। एंड इस तरीके से होम हो जाता है ये। तो इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में फुल स्क्रीन जैसे यूज़ कर सकते हैं। वापस बटन शो करना है तो सेटिंग को ही ओपन करेंगे एंड इसके बाद आपको सिस्टम के ऑप्शन भी क्लिक करना है, फिर सिस्टम नेविगेशन भी क्लिक कर देंगे, फिर बटन पर क्लिक कर देंगे, थ्री बटन नेविगेशन पर, और उसके बाद आपको फिर से बटन शो होने लगेगा। एंड इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में फुल स्क्रीन जैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।